हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इस लव लाभ टेराउट कैसे हैं आप लोग आई होप खुश होंगे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे हैप्पी होंगे डियर आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी डेली अपडेट तो चलिए थर्ड पार्टी डेली अपडेट में जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या निकल के आता है सबसे पहले तो ये कार्ड जो है हम आपके लिए निकालेंगे और देखने की कोशिश करेंगे की जो आपके पार्टनर है वो आपको लेकर क्या फील करते हैं उनके मन के थॉट क्या है क्या फीलिंग्स है और डियर वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं क्या फीलिंग्स उनकी है ठीक है रियल तो पहले हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे उसके बाद में हम अदर डेक से थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि थर्ड पार्टी जो है वो क्या चाहती है आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ में किस रिश्ते में है और क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में क्या फीलिंग्स है और थर्ड पार्टी कोई चाल तो नहीं चलना चाहती है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या है क्या होने वाला है उसका नेक्स्ट एक्शन तो ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे डेढ़ शफलिंग हो रही है आपको करना है अपने पार्टनर के ऊपर पूरा फोकस जो भी आपके पार्टनर है उनके उनका नाम लीजिए और उनकी इमेज को अपने सामने लेके आइए ताकि हमें आपके पार्टनर की जो भी एनर्जी है वो मिल सके ओके तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड्स क्या बता रहे हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं प्लीज यूनिवर्स यहाँ पर तो डियर आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कम्युनिकेशन बंद है तो सबसे पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह से आपसे बात करना चाहते हैं क्यों बात करना चाहते हैं क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक वो क्लियरिटी कैसे आपको दे सकते हैं कैसे वो आपको बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है क्या सिचुएशन चल रही है वो सारी चीजें तभी तो आपसे शेयर कर सकते हैं ना यहाँ पर कुछ साइन में आपको बता देती एरीज लियो सेजिटेरियस है अगेन इरिज लियो सेजिटेरियस है जेमिना लिब्रा एक्वेरियस है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है और डियर यहां पर जजमेंट निकल के आया है जजमेंट का कार्ड है यहां पर है किंग ऑफ कप्स फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है हाई प्रिस्टेस है डियर यहां पर हमारे पास में स्टार का कार्ड है अगर आपकी कोई भी विश है तो आप मांग लीजिए बहुत जल्द आपकी विश पूरी होने वाली है कहीं ना कहीं यूनिवर्स डिवाइन जो है आपकी विश को पूरा कर देंगे ओके डियर चलिए स्टार का कार्ड निकला है हमारे पास में नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स की एनर्जी ओके टू ऑफ कप्स चैरियट नाइट ऑफ कप्स यहां से पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है बहुत ज्यादा आपको स्पाई किया जा रहा है बहुत ज्यादा आप पे नजर भी रखी जा रही है आपके पार्टनर जो है हो सकता है आपसे पहले इतनी कॉल मैसेज पे बात नहीं करते थे इतना ज्यादा आपसे टच में नहीं थे लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशन बता रही है कि कही न कहीं ना कहीं आपसे टच में आते हुए दिख रहे हैं एक चेंज एक ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर नजर आ रहा है काफी टाइम से डेथ का कार्ड निकल रहा है आप देखिएगा कि बहुत जल्द चीजें ऐसी दिखाई देंगी थ्री ऑफ सोट्स की एनर्जी आई है डियर यहां पर थ्री ऑफ सोर्ड्स ओके बॉटम की एनर्जी से हैंडमैन है यहां पर हमारे पास में है नाइन ऑफ वन बॉटम की एनर्जी है ये चलिए सबसे पहले कार्ड्स आपको विजिबल हैं साइन मैंने आपको बता दिया है टॉरस वर्गो कैप्लीकॉन भी हमारे पास में आया है कैप्लीकॉन जो है हैवी दिखाई दे रहा है बात करी जाए तो डियर यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं क्या उनकी फीलिंग्स है क्या उनके थॉट्स है यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता था आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हुई है ना यहाँ पर किसी और के इंटरफेयर के कारण कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है इस रिश्ते में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है जो दूरी आई है उसकी वजह यहाँ पर कुछ बातों को लेकर दिखाई पड़ रही है कि किसी ने तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट की है देखिए यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आई है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है और डियर आप दोनों को अलग किया गया है अगर ये किसी और की बातों में नहीं आते आपके पार्टनर इन्होंने किसी और की बातों में आकर किसी के बहकावे में आकर आपके साथ में गलत किया है गलत फैसले लिए हैं गलत डिसीजन लिए हैं इसके कारण ही आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस आया है बहुत सारी दूरी आ गई है बातें बहुत ज्यादा खराब हुई है आपसे दूर चले गए आपके पार्टनर अगर ऐसा नहीं करते तो बातें कभी नहीं होती आज आप इनके साथ होते और ये भी आपके साथ होते तो कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं दूर जा चुके हैं कुछ लोगों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो चुके हैं तो अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे निकल के आई है कुछ और वो बता रही है कि आपके पार्टनर की क्या कंडीशन है ठीक है और यहाँ पर किसी की बातों में अगर ये नहीं आते ना तो आप पर ट्रस्ट करते और आप पर यकीन करते आपका सुनते तो डियर इनकी जिंदगी जो है इनकी लाइफ जो है उसमें जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई जहां पर इनका हार्ड दिखे हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है इनका दिल टूटा है वो वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि इनका हार्ट ब्रोकन हुआ है तो क्यों हुआ है क्योंकि इन्होंने गलतियां की है इन्होंने बहुत कुछ किया है आज ये पार्टनर लो एनर्जी में नहीं जाते क्योंकि इन्होंने जो किया वो उनको उस सिचुएशन में ले गया जहां पर ये पार्टनर बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं बहुत बहुत ज्यादा लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं होपलेस हो चुके हैं आपके पार्टनर हेल्पलेस हो चुके हैं अपने आप में ऐसा कर फील कर रहे हैं कि इनको कोई मदद नहीं सकता है इनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल सकती दिखावा बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जैसे कि इनके अंदर बहुत अच्छा स्ट्रांग इनका और आ है पर यकीन मानिए कि पार्टनर अंदर से बहुत टूटा हुआ है बहुत ज्यादा अगर आप मेरी नजरों से देखें अपने पार्टनर को तो आपको पता चलेगा कि ये पार्टनर जो है बहुत ज्यादा टूट चुके हैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं इनको लग रहा है कि इन्होंने अगर आपकी बातें सुनी होती अगर इन्होंने आपके कहने से चले होते तो शायद आज इनकी लाइफ में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो नहीं होती तो वो चीज यहां पर निकल के आई है आज ये पार्टनर लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं अपने आप में गिल्टी फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा तकलीफ इनको हो रही है ये चीजें दिखाई दे रही है आप दोनों में इतनी दूरियां नहीं आती यहां पर दिख रहा है कि कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा खराब हो गई थी आपका रिलेशन आपके पार्टनर और आपके बीच में जो लव था जो प्यार था वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि आप दोनों के बीच में बहुत गेप आ गया बहुत ज्यादा गेप मुझे दिखाई दे रहा है दूरियां बहुत ज्यादा दिख रही है आज क्या हालत हो गई आपके पार्टनर की कि आपके पार्टनर जो है आपको स्पाई कर रहे हैं चोरी चोरी छुप छुप कर ये बंदा जो है आपको स्पाई कर रहा है आपको देखने की कोशिश कर रहा है वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है और तड़प भी रहे हैं क्यों तड़प रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं छोड़ा जो ना किया हो इन्होंने मतलब एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने इतना ज्यादा गंदा काम कर दिया इतना ज्यादा गिरा हुआ काम कर रहा है जिसके कारण ये आपसे नजरे नहीं मिला पा रहे हैं बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं डियर आपके पार्टनर मन ही मन में उदास हो रहे हैं मन ही मन में लग रहा है कि इन्होंने जो किया वो गलत है आज आपसे नजरे मिलाने के लायक भी नहीं रहे ये पार्टनर ठीक है तो चोरी चोरी आपको छुप छुप के देखते हैं चोरी चोरी आप पर अपना नजर रखे हुए हैं और आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो देखिए क्यों देख रहे हैं इंसान तभी किसी की तरफ देखता है इंसान तभी किसी को फॉलो करता है जब उसको उसके साथ में कुछ चाहिए रहता है तो यहां पर आपके पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट आपके साथ में करना चाह रहे हैं देखिए यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे भी दिखाई दे रही कि पास्ट जो रहा है आपके पार्टनर का पास्ट जो रहा है पास्ट में इन्होंने जो चीजें करी है कुछ देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कही कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर करी है तो जो पास्ट में इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है उसके बारे में भी सोच रहे हैं पास्ट की जो इनकी एनर्जी थी आपको लेकर जो थॉट्स थे ना टोटली चेंज हुए हैं टोटली चेंज हुए हैं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी थॉट्स थे इनके आपको लेकर पास्ट में आपको बहुत बुरा भला बोलते थे कुछ चीजें इन्होंने ऐसी करी है कि ये दिल से अगर सोचने बैठे ना उन बातों को तो इनको पता चलेगा कि इन्होंने आपके साथ में क्या क्या किया है किस शब्दों का यूज करके आपके दिल को तोड़कर आपको काफी रुलाया है इस इंसान ने बहुत सारी चीजें करी है पर आज ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं रियली इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने किसी ऑप्शन के पीछे एक सच्चे प्यार को एक ट्रू लव को ठुकरा दिया है तो आपके पार्टनर थोड़ा गिल्ट भी फील कर रहे हैं आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स है बहुत सारे इमोशंस है पर चेंज चाहते हैं अपने बदलाव अपने नेचर में चेंज चाहते हैं कहीं ना कहीं टोटली चेंज हुए भी हैं आपके पार्टनर यू समझ लीजिए कि 95 परसेंट ये पर पार्टनर जो है चेंज हो चुका है फाइव परसेंट इनके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं आपके पार्टनर आपके पार्टनर को पता है कि जब ये आपके साथ में होते हैं तो सेफ फील करते हैं क्योंकि आप जो हो इनके साथ होकर भी कहीं ना कहीं ऐसे हो कि आप इनको समय समय पर सपोर्ट करते हो कही कहीं ना कहीं गाइडेंस देते हो कहीं ना कहीं निकालते हो आपका तरीका अलग हो सकता है हो सकता है देखिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है समझाने का यहां पर आप इनको बहुत प्यार से समझाते थे बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं ट्रीट करा है आपने लेकिन ये पार्टनर नहीं समझे आपकी बातों को तो वो चीज भी दिख रही है यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है कि हैप्पीनेस फील करते हैं आपके पार्टनर आपके साथ में आपके बिना अकेले थे और अलोन फील कर रहे हैं खालीपन इनको सता रहा है जिनकी वजह से ये आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा प्यार आपके साथ में करते हैं आपके साथ नई शुरुआत न्यू बिगनिंग करेंगे डियर अगर ये कहीं उलझे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर ये का इस बात को भी बता रहा है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और ये वहां पर उलझे हुए थे तो कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलने वाला है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से ऐसा कुछ सबक सीखने को मिलने वाला है जिसके चलते आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके पार्टनर को और डियर उनके सामने कुछ चीजें कुछ हकीकतें भी आएंगी गलती का एहसास है डियर आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आ, किसका प्यार सच्चा था कौन झूठा था कौन सच्चा था ये सारी चीजें आपके पार्टनर को समझ आ रही है गिल्ट फील कर रहे हैं माफी मांग रहे हैं आज इनको रियलाइज हो रहा है कि पार्टनर ने आपके साथ में गलत किया है ठीक है पार्टनर को रियलाइज हो रहा है क्यों क्यों हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत किया था ना थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके साथ में जो भी इन्होंने किया था जिस भी तरह का बिहेव करा था आपको मारा था आपके साथ में फाइट किया था आपके दिखे फाइट का भी कार्ड है और ये बता रहा है कि आपके साथ में बहुत ज्यादा फाइट करी आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करे हैं आपकी कही हर बात को सुना नहीं है आप जो बता रहे थे वो चीजों को ना सुनकर ये बस दूसरी दिशा में बहते चले जा रहे थे तो वो चीजें यहां पर निकल के आई है आपके पार्टनर जो है पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है वो चीज भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे बातचीत कैसे करें उस बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको दिखाएंगे कि ये अब सब फालतू के काम जो है इनके लाइफ में जो भी आ, किसी भी तरफ ये फ्लर्ट हो जाते थे या फिर ऐसा था कि इनकी लाइफ में कुछ ऑप्शन थे तो उन सब ऑप्शनों को ये छोड़ने वाले हैं आपसे बोल भी सकते हैं कि नहीं मैं बहुत जल्द इन सब चीजों से बाहर निकलूंगा बहुत जल्द इन सब चीजों से अलग जाने के बारे में सोच सकते हैं आपके पार्टनर ओके okay, डियर यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे भी दिख रही है कि आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि जो चीजें फालतू है जैसे ये ऐसे काम किया करते थे बहुत ज्यादा इमोशनल होकर इमोशंस में बहकर बहुत सारी चीजों को इन्होंने खराब करा है किसी की भी बातों में आ जाना किसी के भी बहकावे में बहक जाना तो ये अब उन सब चीजों को कहीं ना कहीं छोड़ेंगे है ना स्टैंड लेंगे डियर स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं इनका फोकस आप पर है कैरियर पे है यहां ये चीजें दिख रही है कि इनका जो फोकस है ना वो आप ही पर टिका हुआ है अब दोनों के बीच में बैलेंस अच्छा था ऐसा दिखाई पड़ रहा है हो सकता है आप दोनों के बीच की जो बातें हैं वो बहुत अच्छी रही हैं आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते थे वो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं पार्टनर अब आपको बहुत कुछ देंगे बहुत सारा प्यार देंगे हो सकता है इन्होंने जो गलतियां कर दी थी जो चीजें इन्होंने खराब कर दी थी डियर वो सारी चीजों को ये पार्टनर जो है सुधारेंगे पार्टनर अब सुधरने की कोशिश भी करेंगे किसी और को देखना ही नहीं चाहते आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार ये पार्टनर करते हैं इनका दिल ले लिया है आपने कहीं ना कहीं आप इनके दिल में अपनी एक ऐसी इमेज बना चुके हैं एक ऐसा वो बना चुके हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है इनका दिल ले लिया है थोड़ा ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा लेजीनेस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा आगे चीजें कैसे रहने वाली है आगे की सिचुएशन कैसी रहने वाली है क्या ठीक होगा क्या नहीं इस पर कंफ्यूजन भी है आपके पार्टनर को थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर जान पाए हैं कि आप दोनों का प्यार सोलमेट कनेक्शन है कहते ना देखिए यहाँ पर सोलमेट का भी कार्ड है आप दोनों का जो रिश्ता है आप दोनों का जो प्यार है आप में से या तो आपको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता इस पार्टनर के साथ सोलमेट कनेक्शन है या फिर आपके पार्टनर का क्योंकि आप जितना दूर जाते हैं उतना आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं वो चीजें दिख रही है बहुत जल्द आप लोगों का रियूनियन हो सकता है आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ सकता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है देखिए पार्टनर को लगता है कि पार्टनर ने आपके साथ इतना गलत किया और आप उनका इंतजार करते रहे आप इतने अच्छे हैं कि आपने उन्हें माफ कर दिया अगर ये आए हैं तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बहुत याद की जा रही है बहुत महसूस कर रहे हैं आपको एहसास है आपके पार्टनर को कि आप उनकी जिंदगी हैं आप उनको नहीं छोड़ सकते आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप उनको कभी भी नहीं छोड़ सकते हो दोनों एक दूसरे में घुले मिले हो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हो अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हो तो आप रह नहीं पाते हो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत कुछ कहना चाहते हैं सच्चा प्यार चाहते हैं रियल लॉयल्टी चाहते हैं आपके पार्टनर ऑनेस्टी चाहते हैं ट्रू फ्रेंड चाहते हैं तो वो सारी चीजें आपके अंदर देखते हैं आपसे बहुत सारे इनको उम्मीदें हैं सब चीजें आप में है पर आपके अलावा किसी और से नहीं मिल सकते ये पार्टनर इनको ऐसा फील हो चुका है हो सकता है ये भाग के गए भी हो किसी थर्ड पार्टी के पास में किसी थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन रखा और वहां पर जब ठोकर मिली तो इनको समझ आ गया कि इनको कोई और नहीं रख सकता है देखिये आपसे अलग नहीं हो सकते आपके पार्टनर आपसे जुड़ चुके हैं बहुत ज्यादा लव है बहुत ज्यादा प्यार है ये पार्टनर आपसे दूर नहीं जा सकते डियर हंड्रेड परसेंट यहाँ पर दिख रहा है आपको बुला भी नहीं सकते हैं आपकी यादों में खोए हुए हैं यादों को मिटा भी नहीं सकते हैं आपको आपको पीछे नहीं छोड़ सकते अब पहले तो इनके दिल में रहता था कि ये पीछे छोड़ दे आपसे आगे निकल जाए किसी और को अपना बना लें पर यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ कि ये पार्टनर आपको पीछे नहीं छोड़ सकते आपकी यादें पार्टनर को तड़पाती है आपकी यादें जो है इस पार्टनर को बहुत कुछ याद दिलाती है कुछ यादें हैं जिनको ये भुलाना नहीं चाहते हैं जैसे ये गलत रास्ते पर चले गए जैसे इन्होंने बहुत सारी चीजें करी है उन बातों को ये भुलाना चाहेंगे लेकिन आपके साथ में बिताए हुए पल लम्हा हर पल ये पार्टनर नहीं भुलाना चाहता पार्टनर गलत चीजों में उलझ गए थे इसके कारण इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है आपके साथ में कुछ चीजें गलत की है चलिए यहां पर हम कुछ कार्ड निकालते हैं इस से और देखते हैं कि और क्या कार्ड निकल रहे हैं चलिए कार्ड को सेट कर देते हैं रियर ओके रियर चलिए कार्ड निकालते हैं प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताएं कि क्या कार्ड है यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है वो हम निकालते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है चलिए देखते हैं क्या कार्ड निकलते हैं यहाँ पर चीटर चीटर कभी नहीं बदलता चीटर जो होता है ना उसकी एनर्जी हमेशा चीटिंग वाली निकलती है और जो चीटिंग करता है जो धोखा देता है दूसरों के प्यार के साथ खेलता है दूसरों का दिल तोड़ता है, है ना अपनी पावर का गलत यूज करता है हमेशा अपनी पावर दिखाना गलत बात होती है तो उन सब चीजों का आज इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं भुगतान दिख रहा है बहुत ज्यादा तकलीफ में दिख रही है बहुत ज्यादा परेशान दिख रही है ये थर्ड पार्टी और तो और दिख रहा है परेशानी के साथ साथ जगलिंग भी चल रही है यहां पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स फाइव ऑफ कप्स हाई प्रिस्टेस डियर देख रहे हैं आप हाई प्रिस्टेस यहां पे भी है और यहां से भी हाई प्रिस्टेस आया है हैंगमैन, एट ऑफ कप्स चलिए सारे कार्ड्स निकल चुके हैं और यहाँ पे बॉटम की एनर्जी से जो कार्ड आया है वो है थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी आप अंदाजा लगा सकते हैं थर्ड पार्टी ने जो किया है उससे तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है थर्ड पार्टी का किया करा सामने आ चुका है ओके डियर तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कुछ चीजें आपके बारे में कुछ चीजें क्लियर कर देते यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने जो चीजें करी थी उसके लिए तड़प तो रहे हैं अब इनको क्योंकि देखिए ना तड़प इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है ये पार्टनर जो है नाइट ऑफ कप है ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं ये चाहते हैं कि आपसे बात करके ये अपने दिल की सारी बातें बता दें ये भुलाना चाहते हैं जैसे ये गलत रास्ते पर चले गए थे गलत चीजों को इन्होंने पकड़ लिया था वो चीजों को दिखाई दे रहा है देखिए आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ जो फाइट हुई है वो चीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपके ऊपर आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए हैं बहुत ज्यादा इन्होंने बुरा भला कहा है ऐसे ऐसे शब्द आपको कहे हैं जिससे आपका दिल जो है वो टूटा है क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड आपकी तरफ भी आया है और यहाँ पे भी कर्मा रिटर्न आया है जब थ्री ऑफ सोर्ड थर्ड पार्टी की जिंदगी में आया है तब तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है थ्री ऑफ सोर्ड क्या होता है किसी के दिल के साथ खेलना ओके तो यहाँ पर ये दिख रही है जो भी इल्जाम आपके पार्टनर ने आप पे लगाए थे कुछ गलत बातें आप पर बोली थी तो वो सबके लिए माफी मांगते हुए दिख रहे हैं मिटाना चाहते हैं वो पुरानी यादें मिटाना चाहते हैं वो बुरे लम्हे वो चीज दिखाई दे रही है अब अभी पार्टनर जो है अपने दिल से आपको हर चीज बताने वाले हैं इनके दिल में क्या चल रहा है इनकी मजबूरी क्या है वो सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं गिल्ट में है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है इनको गिल्ट के साथ साथ इनको तकलीफ भी हो रही है पार्टनर यहाँ पर चेंज चाहते हैं क्योंकि डेथ का कार्ड है और डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि ये पार्टनर जो है यहाँ पर एक चेंज चाह रहे हैं एक बदलाव चाह रहे हैं ये वापस से आपका भरोसा जीतना चाहते हैं हो सकता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके चलते आपका भरोसा टूट गया आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और आपके पार्टनर आपसे नजरे भी नहीं मिला पाते क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है आपको आपका भरोसा जीतना चाहते हैं ये आपको दूर जाता नहीं देख सकते हैं वापस से प्यार का फूल खिलना खिलाना चाहते हैं और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे एक एक्शन एक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर देखिए थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत सारे इश्यू रहे हैं आपके यहाँ वो चीज मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी को लेकर पार्टनर पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है हो सकता है कि पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जो है वो अभी अटकी हुई है तो पार्टनर से ज्यादा उम्मीदें ना रखें क्यों क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टनर थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देंगे और डियर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा सा पजेसिव हो रहे हैं थोड़ा सा सोच रहे हैं जिससे आपको हर्ट हो सकता है आपको लगेगा कि ये पार्टनर जो है वापस से ऐसा कुछ कर रहा है जो आपके खिलाफ है तो आप यहाँ नाराज भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी को लेकर पार्टनर का क्या फीलिंग्स है देखिए यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है और थर्ड पार्टी सिचुएशन इस बात को बता रही है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको उम्मीद नहीं रखनी है क्योंकि ये पार्टनर ऑन ऑफ करते रहते हैं और वो वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है पार्टनर पे ज्यादा उम्मीदें ना रखें और यहाँ पर ये भी है कि अगर पार्टनर ने आपको छोड़ा था चिटिंग दी थी धोखा दिया था ये कार्ड तो यही बता रहे ना कि उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए ये सब किया था तो वो चीजों से आपके पार्टनर दोबारा से आपको हर्ट कर सकते हैं हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है आपको मूव ऑन हो सकते हैं आपके पार्टनर मैं बता दूं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर जो है मूव ऑन हो सकते हैं और डियर यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी पार्टनर को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये पार्टनर से दूर जा रही है क्यों कर रही है ये ऐसा क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं बहुत है बहुत ज्यादा इमोशनल है बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है कि अगर आपके पार्टनर को ये ऐसा बोलेगी कि या जा रही है या आपके पार्टनर को छोड़ रही है किसी और के साथ में घर बसा रही है तो आपके पार्टनर जो है इसे चेस करेंगे तो ये अच्छे से जानती है इसीलिए कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी कोई षडयंत्र रच रही है और आपके अगेंस्ट ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा काम कर रही है देखिए यहाँ पर मुझे कुछ चीजें ऐसे भी दिख रही है कि आपके पार्टनर को रिजेक्ट करेगी थर्ड पार्टी ऐसे ऐसे नाटक करेगी दिखाए दिखावा ऐसा करेगी कि आपके पार्टनर जो है वापस से इसका हाथ थाम ले तो ये चाह रही है खोना नहीं चाहते है आपके पार्टनर आप अपनी फैमिली को पर फिर भी दूर जा रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे ये चीजें दिखाई दे रही है देर यहाँ पर थर्ड पार्टी के क्या इरादे है, इराद है थर्ड पार्टी क्या चाहती है क्या गेम खेल रही है क्या ड्रामे है तो मैं आपको बता दूं की ये पार्ट, जो थर्ड पार्टी है आपके साथ आपके पार्टनर के साथ में बहुत ज्यादा गेम खेल रही है किसी तरह की ज्वेलसी फील करा रही है किसी तरह का ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिससे आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं हिल जाए आपके पार्टनर का ध्यान इस थर्ड पार्टी की तरफ जाए हालांकि ये पूरी पूरी तरह से वकील से मिलके काम कर रही है आपसे जैसे दूर जाएंगे ना तो ये थर्ड पार्टी क्या करेगी कब्जा कर लेगी आपके पार्टनर के ऊपर तो वो चीज ये चाह रही है ये दिखावा करेंगे ठीक है दिखावा करने के लिए ही आपके पार्टनर जो है ना उसी में मार खा जाते हैं आपके पार्टनर की आदतें देखिए थर्ड पार्टी से यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है आपके पार्टनर को अगर आपके पार्टनर यहाँ पर लौट रहे हैं आपके पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं तो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को दोबारा से अपने चंगुल में फंसाने के लिए अपनी तरफ खींचने के लिए एक ऐसा षडयंत्र ऐसा गेम प्लान कर रही है जिसमें आपके पार्टनर को उलझा सके यहाँ पर ये उनके सामने कुछ ऐसी चीजें करने के बारे में सोच रही है जिससे पार्टनर जो है इनकी तरफ कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को चेस करे इसके पीछे पीछे भागे आप इससे बातें करोगे तो ये और ज्यादा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लेके जाने के बारे में सोच रही है तो ये थर्ड पार्टी का एक गेम चल रहा है ये प्लान करना चाहती है किसी ना किसी तरह की स्ट्रेंथ और पावर दिखाना चाहती है आपके पार्टनर को आपके पार्टनर इसे चेस करें है ना अपना अपनी राह देखना चाह रही है ऐसी राह पर ये चलना चाह रही है चिटिंग करके कि जिससे आपके पार्टनर को लगे कि ये थर्ड पार्टी जो है से हो क्या गया है क्या कर रही है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का ध्यान एकत्रित करना चाहती है क्योंकि इसे पता है कि जिस भी तरह से ये आपके पार्टनर को अपनी और खींचेगी आपके पार्टनर खींचे चले आएंगे तो यहाँ पर बांध के किसी भी तरह से षड्यंत्र रच के ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को चीट करके वापस से आपके पार्टनर के साथ में अपनी दुनिया बनाना चाह रही है चिटिंग कर रही है धोखा कर रही है रातों को सो नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर का यूज करके दिखा रही है ये थर्ड पार्टी ठीक है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का ड्रामा तो शुरू हो गया है थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलने वाली है आपके पार्टनर को कंट्रोल करने वाली है आपके पार्टनर की हर एक एनर्जी को पकड़ने के बारे में सोच रही है वो ऐसा दिखाएगी कि वो पार्टनर की जिंदगी से निकलना चाह रही है मूव ऑन करना चाह रही है और इससे भी ज्यादा ये चीज दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को कंफ्यूज भी करना चाहती है कुछ बातें छुपी हुई हैं कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर ये पार्टनर जो है स्टक हो चुके हैं पर ये थर्ड पार्टी बाद नहीं आने वाली हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी से कांटेक्ट में आ जाए पर आपकी मर्जी है डियर आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं और यहां पर बहुत ज्यादा माइंड गेम खेले जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा माइंड गेम खेले जा रहे हैं आपके पार्टनर जो है उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या है तो डियर यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है उनका नेक्स्ट सेक्शन ये रहने वाला है कि बहुत जल्द वो आपकी तरफ एक ट्रेवल वाली एनर्जी है ट्रेवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं बहुत जल्द आपको प्रपोजल दे सकते हैं बहुत जल्द आपके साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो वाली एनर्जी यहां पर निकल के आई है आई होप आपको रीडिंग जो है रेजोनेट करी होगी कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू